अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वॉचिंग जेबी टेक। आज की वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं कंपैरिजन हवावे Y9s का हवावे Y9 प्राइम 2019 के साथ। तो अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक बाय करना चाहते हैं या फिर आप अपग्रेड करना चाहते हैं Y9 प्राइम से Y9s पे, तो एंड में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको Y9s के ऊपर अपग्रेड कर लेनी चाहिए। इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स जो हैं अपग्रेड देखने को मिलते हैं, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी बिल्ड क्वालिटी से। तो Huawei Y9 प्राइम 2019 के अंदर हमें जो बिल्ड देखने को मिलेगी वो हमें प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलती थी। यहाँ पे वेट की बात करें तो उसका हमें 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता था और थिकनेस उसकी हमें 8.8 mm देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे Y9s की बात करें तो इसके अंदर भी हमें जो वेट देखने को मिलेगा वो हमें 206 ग्राम का देखने को मिलता है, यानी कि ये थोड़ा हैवी हमें देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू Y9 प्राइम। इसी तरह यहाँ पे थिकनेस हमें सेम ही देखने को मिलती है 8.8 mm की, और यहाँ पे भी हमें किसी किस्म की जो ग्लास प्रोटेक्शन है बैक साइड पे वो देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पे इनके डिस्प्ले की बात करें तो दोनों का डिस्प्ले हमें बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें 6.59 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब एक ये IPS डिस्प्ले होने वाला है, यहाँ पे किसी किस्म का जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे 391 की जो पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिलेगी। अब ये एक फुल HD प्लस पैनल है और यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आपको जो डिस्प्ले है वो काफ़ी शार्प देखने को मिलेगा। कैमराज डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी चीज़ें चेंज देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे है Y9 प्राइम की बात करें तो उसके अंदर हमें बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, जिसके अंदर हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलता था जो वो 16 मेगापिक्सल का था। इसी तरह सेकंड लेंस हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता था, और यहाँ पे थर्ड लेंस 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था। अब Y9s की बात करें तो यहाँ पे हमें अपग्रेड देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें जो मेन लेंस हमें देखने को मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का है। इसी तरह सेकंड लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और बाकी जो दो लेंसेज हैं उसके अंदर हमें 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो फ्रंट दोनों का हमें सेम ही देखने को मिलेगा, दोनों के अंदर ही हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलता फ्रंट साइड के ऊपर। यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर भी हमें दोनों के अंदर बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। Y9 प्राइम के अंदर भी हमें किरण 710F देखने को मिलता था, और Y9s के अंदर भी हमें किरण 710F देखने को मिलता है। अब ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसके अंदर हमें चार कोर्स जो देखने को मिलती हैं वो हमें कॉर्टेक्स A73 की 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के साथ देखने को मिलती हैं, और बाकी जो चार कोर्स हैं वो हमें कॉर्टेक्स A53 की 1.7 गीगाहर्ट्ज़ के साथ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती हुई। तो यहाँ पे जो पिछला मॉडल है Y9 प्राइम उससे थोड़ा हमें अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ Huawei ने वही पिछले वाला प्रोसेसर इसके अंदर हमें डाल के दे दिया है। GPU की बात करें तो वो भी हमें दोनों के अंदर सेम ही देखने को मिलता है, जो कि मान लीजिए G51MP4 है। तो यहाँ पे आपको गेमिंग के अंदर भी कोई इतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता, आप इसके अंदर मीडियम सेटिंग्स पर इजीली गेम्स प्ले कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमें वही एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिलता है, जिसके साथ जो Y9 प्राइम है उसके अंदर हमें EMUI 9.0 देखने को मिलता था, और Y9s के अंदर हमें 9.1 देखने को मिलेगा EMUI का जो वर्जन है। इसी तरह यहाँ बैटरी की बात करें तो बैटरी भी हमें दोनों के अंदर बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, जो कि 4000 mAh की है, और ना ही इन दोनों के अंदर हमें जो किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग है वो भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो सिंपल 2 एम्पीयर की चार्जिंग है वही देखने को मिलती है, लेकिन जो Huawei Y9s है ये एक अपग्रेडेड मॉडल है, तो Huawei को चाहिए था कि इसके अंदर हमें जो फास्ट चार्जिंग है वो इंक्लूड करके देते, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल वही पहले वाली चार्जिंग है 2 एम्पीयर की वही रखी गई है। अब यहाँ पे सेंसर्स की बात करें तो दोनों के अंदर हमें सभी सेंसर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। Y9 प्राइम के अंदर हमें बैक साइड पे देखने को मिलता था, लेकिन जो Y9s है उसके अंदर हमें जो इसका पावर बटन है उसके अंदर ही हमें जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो देखने को मिलता है। अब ये फिंगरप्रिंट सेंसर हमें काफ़ी फास्ट देखने को मिलता है, आपका जो फोन अनलॉक है वो तकरीबन 0.3 सेकंड्स के अंदर ये कर देता है इजीली। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो Huawei Y9 प्राइम है 2019 वो हमें 4 GB रैम और 128 GB के साथ तकरीबन हमें 35,500 या 36,000 का जो प्राइस टैग है उसके साथ देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो Y9s 2019 ये जो लॉन्च किया गया है ये हमें 6 GB रैम और 128 GB के साथ कोई 42,999 का देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे हमें काफ़ी प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें सिर्फ कैमराज इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है वो भी थोड़ी बहुत, और यहाँ पे सिर्फ हमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, और यहाँ पे प्राइस तकरीबन हमें 7-8 हज़ार ऊपर देखने को मिलती है, बाकी सारी चीज़ें हमें बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती हैं। अब बात करें यहाँ पे मेरे ओपिनियंस की, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है, कोई भी हमें जो चीज़ है वो डिफरेंट देखने को नहीं मिलती, कोई भी जो फीचर है वो हमें एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल वही हमें जो फीचर हैं वही प्रोवाइड किए गए हैं, बस यहाँ पे जो कैमराज हैं वो इम्प्रूव कर दिए गए हैं, थोड़े बहुत प्रोसेसर हमें बिल्कुल वही देखने को मिलता है, ना कोई अपग्रेड प्रोसेसर डाला गया है इसके अंदर, और डिस्प्ले भी हमें बिल्कुल वही देखने को मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप Y9 प्राइम पहले ही यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप इसके ऊपर अपग्रेड ना करें, आपको कोई भी इसके अंदर हमें कोई परफॉर्मेंस इंक्रीज ना ही कोई लुक वाइज इंक्रीज देखने को मिलेगा, बिल्कुल वही फ़ोन हमें थोड़ा ज़्यादा प्राइस के साथ देखने को मिलता है। तो अगर आप पहले Y9 Prime 2019 यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप Y9s पे अपग्रेड कर लें, क्योंकि इसके अंदर हमें बिल्कुल सेम ही वही चीज़ इन्होंने अपग्रेड करके दे दी है, जो कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी हमें प्रोवाइड नहीं करते। तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको इसके बारे में कोई भी कमेंट्स हो, आपके ओपिनियंस क्या हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।